ये जो आपके लेफ्ट में है वो है चंद्रयान 3, सॉरी ये जो आपके राइट में है वो है चंद्रयान 3। कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपका कंफ्यूजन क्लियर करता है। आज हम जानेंगे 10 डिफरेंसेस चंद्रयान 3 और 2 के बारे में। सबसे पहले आता है स्टैक। चंद्रयान 2 में था एक लैंडर जिसका नाम था विक्रम और एक ऑर्बिटर। ऑर्बिटर के ऊपर साइंस इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे। ऑर्बिटर ने ही धरती से लेके चांद तक लेके गया लैंडर को, और फिर वो सेपरेट हुआ और लैंडर लैंड करने गया। अब लैंडिंग फेल हुए वो ठीक है, बट हमारा ऑर्बिटर आज भी घूम रहा है और अपना साइंस गैदर कर रहा है। चंद्रयान 3 के केस में आप देख के बोलोगे स्टैक तो सिमिलर लग रहा है, पर नहीं, ये जो ऑर्बिटर है वो मोस्टली एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है, क्योंकि इसमें मोस्टली फ्यूल भरा है और इसका काम है धरती से लेके चांद तक लेके जाना चंद्रयान 3 के लैंडर को। लैंडर का नाम विक्रम होगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं लैंडर कह रहा हूँ बस। फिर वहां वो उसे सेपरेट करेगा क्या? पर क्या इसका मतलब है कि कोई एक्सपेरिमेंट है ही नहीं चंद्रयान 3 के ऊपर, लैंडर वो ऑर्बिटर के ऊपर? एक एक्सपेरिमेंट है, और ये लाते हैं हमारे सेकंड डिफरेंस पे। चंद्रयान 2 का जो एक्सपेरिमेंट सूट था वो वन ऑफ द बेस्ट था पूरे दुनिया में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो अब तक चांद तक गए ही नहीं। मैंने वीडियोस भी बनाए OHRC के ऊपर, XSM के ऊपर, क्लास के ऊपर, आप वो देख सकते हो। चंद्रयान 3 के केस में एक ही साइंस पेलोड है जिसका नाम है शेप, यानी स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, यानी अर्थ की स्पेक्ट्रम और पोलरिमेट्री जो लाइट पोलराइजेशन डेटा है वो गैदर करना, ताकि वो समझ सके अर्थ का कैसा सिग्नेचर दिखता है एक हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ का, ताकि वो ये डेटा से सीख सके कि एक्सोप्लैनेट्स जो दूसरे एक्सोप्लैनेट से बाहर के, उनका भी क्या सिमिलर पोलरिमेट्री और जो स्पेक्ट्रम है उसका सिग्नेचर सिमिलर होगा। तो उसके लिए तो एक ही शेप। हमारा थर्ड डिफरेंस हमें दिखेंगे, या थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है वो आगे से दिखेंगे, ये है फ्रंट इमेजेस लैंडर के। अब आप में से काफी लोग ये देख के ही पॉइंट आउट कर रहेंगे एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या है, पर सबसे मेन डिफरेंस है ये आपको दिख रहा है राइट में दो गोल जैसे चीजें दिख रहे हैं, वो है चंद्रयान 3 का TTC एंटेना, यानी टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड एंटेना। ये एंटेना के थ्रू हमें जो डेटा है वो मिलता है, टेलीमेट्री डेटा और ट्रैकिंग डेटा। आपने देखा होगा चंद्रयान 3 जब लैंड कर रहा था तो ये जो सब वेलोसिटी और चंद्रयान 2 सॉरी सब वेलोसिटी वगैरह ये सब आते हैं उसे टेलीमेट्री कहते हैं, वो इस एंटेना के थ्रू आएंगे। चंद्रयान 3 के ऊपर दो एंटेनास हैं, एक उसके फ्रंट में और एक उसके बैक में। तो अब ये रिडंडेंसी के लिए या ये डबल डेटा रेट के लिए नॉट श्योर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने जस्ट मेरा प्रोपल्शन मॉड्यूल का फोटो देखा तो आपने देखा होगा प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर भी दो TTC एंटेनास है। तो ये देखेंगे जब ज्यादा डिटेल्स आएंगे फ्यूचर में पता चलेगा। फोर्थ डिफरेंस कुछ लोगों को ऑलरेडी पॉइंट आउट कर रहे कमेंट में, ये जो दो गोल ब्लैक कुछ दिख रहा है सामने राइट लेफ्ट में लैंडर के, वो एक्चुअली है हैजार्ड अवॉइडेंस कैमरास, जो जैसे लैंड के नजदीक आता है तो वो कोई हैजार्ड या कोई बड़े बोल्डर्स वगैरह नहीं है चेक करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि चंद्रयान 2 के ऊपर भी है ये, पर वो दिख नहीं रहा, ये गोल्डन शीट्स जो है वो MLI कहते हैं उसे, उसके नीचे एक हिडन है। पर चंद्रयान 3 के ऊपर दो है, ऐसे दो हैजार्ड कैमरास है, तो हाँ ये एक इंटरेस्टिंग चीज। एक और चीज, ये बड़ा डिफरेंस नहीं है पर आप नोटिस करोगे कि रैंप के ऊपर मार्कर्स है राइट, ये जो चेकर मार्क्स है जो बॉक्स बॉक्स की है। अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो कुछ न्यूज चैनल्स और मे बी कुछ न्यूज पेपर्स या इवन मीडिया यूट्यूब चैनल्स शायद आपको चंद्रयान 2 के इमेजेस दिखा के एस चंद्रयान 3 बोले, तो ये सबसे बड़ा आपका डिफरेंस मेकर होगा। आपको पता चल जाएगा कि चंद्रयान 3 के ऊपर चेकर मार्क्स और चंद्रयान 2 के ऊपर नहीं है। तो हाँ, फिफ्थ बड़ा डिफरेंस जो आप में से काफी लोगों ने इसी इमेज में देखा होगा वो है एक बड़ा टैंक। ये जो सेंटर में डोम है वो एक्चुअली फ्यूल टैंक है इंजिन के लिए, और इस केस में वो थोड़ा बड़ा है तो वो शायद ज्यादा फ्यूल कैरी कर रहा है। अब ज्यादा फ्यूल कैरी करना इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसरो ने, अब आते हैं हमारे सिक्स डिफरेंस के ऊपर, इसरो ने सेंट्रल इंजन निकाल दिया। तो चंद्रयान 3 के स्पेसिफिकेशन शीट में चार ही इंजन दिखा रहे हैं। अभी ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 के ओरिजिनल डिजाइन में चार ही इंजन थे, पर अगर आप गरीब साइंटिस्ट को 2017 में फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा लास्ट मिनट बहुत केओस हुआ था जब अन्ना दुराई सर वगैरह रिटायर हो गए थे। वो मिशन डायरेक्टर तो नहीं थे पर इन्वॉल्व थे, वो चंद्रयान 1 के डायरेक्टर थे। तो तभी सडनली फिफ्थ इंजन ऐड किया, एक्स्ट्रा फ्यूल ऐड किया क्योंकि अब सडनली आपकी फिफ्थ इंजन है। एम था फिफ्थ इंजन का डस्ट ब्लोबैक मिटिगेट करना वगैरह, थ्रॉटलेबल वगैरह नहीं था। पर देन अभी हम वापस उस ओरिजिनल डिजाइन पे जा रहे हैं जो प्लान था। इंटरेस्टिंग है। तो सिक्स डिफरेंस के लिए हमने ऐसी चीज की बात की जो होने वाला नहीं था पर ऐड किया। सेवेंथ डिफरेंस में हम आएंगे राइट साइड लैंडर के, हमारे लेफ्ट स्क्रीन पे जो ऐसी चीज है जो चंद्रयान 2 के लिए बनाई थी पर यूज नहीं की, उसका उल्टा सिक्स का, और वो है ये बड़ी सी चीज जो आपको दिख रही है अटैच साइड में, वो है LDV यानी लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर। अभी ये जो है उससे हमें वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में मिलेगी चंद्रयान 2 की, चंद्रयान 3 की। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ ये नरेट करते वक्त,
ये क्या करता है, मल्टीपल लेजर्स एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे और उस इंटरफेरेंस पैटर्न के रेट ऑफ चेंज से हमें पता लग सकता है कि हम कितना दूर या नजदीक या कितने स्पीड से आगे पीछे जा रहे हैं। उसके नीचे जो है वो है लेजर ऑल्टीमीटर, अगर आप वंडर कर रहे हो तो। इसी साइड के ऊपर हम रहे तो आपको दिखेगा ये सोलर पैनल उसका बड़ा हो गया है। देखो अगर आप लैंडर को ढंग से देखो तो उसका जो लैंडर का जो लेफ्ट पार्ट है उसके ऊपर एक लंबा सा बड़ा सा कंटिन्यूस सोलर पैनल है, वो है उसका आइडियल। मतलब वो लैंड ऐसा करना चाहिए कि धूप उसके ऊपर मैक्सिमम गिरे क्योंकि वो बड़ा है, ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। बट इनकेस अगर वो अलग ओरिएंटेशन में लैंड करता है तो क्या होगा, तो मैक्सिमम पावर जनरेशन के लिए किसी भी एंगल में उस साइड भी सोलर पैनल बड़ा कर दिया। और इनकेस आपको नहीं पता, पीछे भी लैंडर के सोलर पैनल्स है तो ऑलमोस्ट हर साइड सोलर पैनल सब आ गए हैं। चंद्रयान 2 पे भी थे पीछे, पर अभी चंद्रयान 3 में ये वाला साइड बड़ा कर दिया। 9th पॉइंट जो है वो है हमारा लैंडिंग साइट थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। पहले ये 70°, 22° पे लैंडिंग होने वाली थी इसकी, अभी होगी 69°, 32°। पर आपको खूबसूरत चीज क्या बताया कि हमने ऑलरेडी इस लैंडिंग साइट का इमेज ले लिया चंद्रयान 2 ने। चंद्रयान 2 के ऊपर एक कैमरा है जिसका नाम है OHRC, यानी ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन मून कैमरा है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया। इसके वजह से हम एकदम छोटे डिटेल जैसे कोई रॉक्स और बोल्डर्स वगैरह तक डिटेक्ट कर सकते हैं। और मतलब क्या मस्त है ना कि हमारे नेक्स्ट मिशन के लिए हमारे प्रीवियस मिशन ने ऑलरेडी मतलब स्काउटिंग कर ली और देख लिया सब सेफ है कि नहीं वहां लैंड करने के लिए। काफी कूल। इसके बजाय 10th डिफरेंस और लास्ट डिफरेंस होगा वो है सॉफ्टवेयर में। देखो एक चीज, चंद्रयान 2 के फेलियर का डिटेल्ड रीजन या डिटेल्ड पोस्ट अब तक इसरो ने नहीं किया है। यहां वहां बातें चली है पार्लियामेंट में कि सॉफ्टवेयर इशू था, ये था, वो था। पर जैसे SSLV को रिसेंटली उन्होंने एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट पब्लिश किया कि एग्जैक्टली क्या फेल हुआ, वैसा नहीं हुआ है। तो हमें तो पता है सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच था, पर सोमनाथ सर ने रिसेंटली हिंट किया कि वो शायद FAC रिपोर्ट या फेलियर एनालिसिस कमिटी रिपोर्ट रिलीज करे पब्लिक में। वैसा होता है तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ गया डिफरेंसेस। इस बार मैं चंद्रयान 3 के साथ थोड़ा अप्रोच चेंज करूंगा, मैं ज्यादा साइंस ही और ज्यादा टेक्निकल साइड कवर करूंगा, वो हाइप और वो रिकॉर्ड्स में इसमें मेरे को नहीं फंसना। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। स्पेशल थैंक्स टू शिखर, मनोहरन, कार्तिकेय देवाल, बुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, नारायण प्रसाद, प्रदीप मोहनदास, तन्मय देशपांडे, निशंत कुमार, विशाल भारत, पल्लव रानडे, हाइड्रेटिंग, कृपल पटेल, निशान प्रजापति, शौनक पेरनी, निसर्ग मानकड, विवेक सिंह और संजोत कावड़े।